व्हाट्सअप गाइस, होप यू ऑल आर वाइबिंग। तो अगले 2 हफ्ते मैं खुद को बहुत ही इंटेंस चैलेंज करने वाला हूँ और मैं एक 15 दिन का चैलेंज रखूँगा। 15 दिन नो चाय। इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आई एम गोना डू इट। कैसा लगा मेरा मजाक? आप लोगों को सच में लगा था मैं ऐसा करूँगा? नहीं, सीरियसली कभी नहीं, लाइफ में कभी नहीं। एनीवेज, व्हाट्सअप गाइस, होप यू ऑल आर वाइबिंग। अगर आप मेरे से पूछोगे यार, मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा वाइब कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वो समर वाली फीलिंग आने लगी है। लाइक यू नो, वो एनवायरमेंट में होती है, वो हर एक सीजन का एक वाइब होता है एनवायरमेंट में, वो मेरे को आने लगा है। लाइक अगर आप मेरे को पूछोगे मेरा फेवरेट सीजन कौन सा है, आई विल ऑब्वियसली से मानसून, क्योंकि मेरे को क्लाउड्स अच्छे लगते हैं। लेकिन ऐसा कोई सीजन नहीं है जिसको देख के मेरा मूड खराब होता है। लाइक समर आ गया तो समर का भी अच्छे से वाइब लेते हैं। विंटर्स में भी मेरे को अक्टूबर नवंबर दिसंबर बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स होते हैं। आई थिंक वो समय जहाँ सबसे कम वाइब होता है सीजन, जब ट्रांजिशन हो रहा होता है ना, ना समर ना विंटर, फेब्रुअरी फॉर एग्जांपल, उसमें आई थिंक 50-50 रहता है। बट अदरवाइज क्या, छोटे से टॉपिक पे इतने पैशनेटली मैंने बात करी है। एनीवेज, इसको ख़त्म करते हैं। 15 डेज, मेरे सोल को थोड़ा बुरा लग रहा है कि मैंने ये मजाक के बारे में सोचा भी। समर हो या विंटर हो, चाय तो ज़रूरी है। मेरे को लगा राइम होगा बट नहीं हुआ, हक दिया। बट ऑन अ मोर सीरियस नोट, आई थिंक आगे के कुछ दिनों मुझे घर पे वर्कआउट करना पड़ेगा, बिकॉज एंड दिस टाइम मैं मजाक नहीं कर रहा सच में, बिकॉज पुणे में वापस थोड़े से केसेस बढ़ने लगे एंड आई हैव माई ग्रैंड पेरेंट्स एट होम। बट मैं फिर भी बाहर तो जा सकता हूँ, जस्ट जिम नहीं जाना चाहता, बिकॉज एज यू ऑल नो जिम सबसे ज़्यादा रिस्की जगह है व्हेन इट कम्स टू ऑल दिस। फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाहर ही नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी, बस जिम नहीं जाऊँगा और मॉल नहीं जाऊँगा, ऐसे ओवर क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जाऊँगा। बट हाँ, केसेस थोड़े से बढ़ने लगे हैं। एक कमेंट्री वाला भाई पाया मेरे को क्रिकेट का, केसेस थोड़े से बढ़ने लगे हैं। लुकिंग एट द ब्राइट साइड, मेरे पास काफ़ी प्लेट्स है, इक्विपमेंट है, तो मुझे कंप्लेन नहीं करना चाहिए। आई हैव लिटरली एवरीथिंग। पुल अप बार भी है, काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग अ लिटिल ब्लेस्ड कि ये सब मेरे कमरे में ही है एंड जब भी मैं चाहे मैं ट्रेन कर सकता हूँ। एक रॉड भी है मेरे पास जो दूसरे कमरे में है, तो मैं OHP भी लगा सकता हूँ और किचन में डिप्स भी लगा सकता हूँ, सो दैट्स गुड। मैं काफ़ी कमेंट्स पढ़ता हूँ जहाँ आप लोग मुझे पूछते हो कि क्या ये किताबें मेरी है, एंड आई एम नॉट श्योर अगर मैंने इस चैनल पर कभी बोला है, बट इन किताबों में से मैंने सिर्फ ये वाली पढ़ी है। एंड द रीज़न कि यहाँ पे इतने सारे वाइज किताबें हैं, इस वाली की मेरे को बहुत ज़रूरत है। बट द रीज़न यहाँ पे ऐसे किताबें हैं बिकॉज माई पेरेंट्स आर स्पिरिचुअल पीपल, तो वो ये सब पढ़ते हैं और मैं यहीं पे अटका हुआ हूँ। थैंक यू सूरज, 5,000 कप चाय बना दो। सूरज, अभी मैं जिम नहीं जाऊँगा 10-15 दिन, तो घर पे ही एक्सरसाइज करूँगा, तो हम साथ में करेंगे हर रोज़। हाँ, हर रोज़, तुम्हारे 2-3 दिन नहीं करने के बहाने नहीं चलेंगे अभी, हर रोज़ कर लो। हाँ, रोज़ मज़ा आएगा, साथ में करेंगे ना, वीडियो भी ले लूँगा तुम्हारा, तुम मेरा लेना। हाँ, क्या खुशी है शक्ल पे। हाँ, ये है थोड़ा सा गर्म पानी, क्योंकि अभी हम बालों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे। आई नो कि काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने इस चैनल पे हेयर केयर की बातें करी है। अब आप लोग पूछोगे कि मैंने गर्म पानी क्यों लिया है, दैट इज़ बिकॉज जो थोड़ी सी हीट मिलेगी आपके बालों को, वो आपके बालों के क्यूटिकल्स को खोल देगा। क्यूटिकल एक आउटर कोटिंग रहता है बालों पे, और ऑयल लगाने से पहले अगर मैंने हल्का सा गर्म पानी अपने बालों और अपने स्कैल्प पे लगाया, तो ऑयल लगाते टाइम उसकी अब्सॉर्प्शन बेहतर हो जाएगी। और रिसेंटली मैं अपने बालों को ऑयल करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ उस्तरा का आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। ये एक लाइट वेट हेयर ऑयल है जो 8 अलग नेचुरल हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है। इसमें मिनरल ऑयल्स और सिलिकॉन जैसे हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। द बेस्ट पार्ट इज कि इस ऑयल का जो टेक्सचर है वो नॉन स्टिकी है। इसका मतलब आप दिन में भी ये लगा सकते हो बाहर जाने से पहले, और ये आपके बालों को वो ग्रीसी लुक नहीं देगा। उस्तरा का आयुर्वेदिक हेयर ऑयल हेल्दी स्कैल्प को प्रमोट करता है एंड ऑल्सो हेल्प फाइटिंग डैंड्रफ। इसको थोड़ा हाथों में इमल्सिफाई करके लगा देते हैं। इसके की हर्ब्स में इंक्लूडेड है अश्वगंधा, जो आपके बालों को स्ट्रेंथन करता है, भृंगराज, जो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, प्याज, जो हेयर फॉलिकल्स की रीजनरेशन में मदद करता है, और नीम, जो डैंड्रफ से लड़ने में मदद करता है। ऑयलिंग करते टाइम जो रिलैक्सेशन मिलती है ना, मजा ही आ जाता है। उस तरह का हेयर ऑयल है तो ऑब्वियसली इसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं होंगे, जैसे कि मिनरल ऑयल जो बाकी बहुत सारे हेयर ऑयल्स में होते हैं। ऑल्सो उस तरह के आयुर्वेदिक हेयर ऑयल को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी वेरीफाई किया है एज एन आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन। अगर आप भी इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, पहली लिंक को क्लिक करो एंड इट विल टेक यू टू उस तरह ऑफिशियल वेबसाइट। वहाँ पे मेरा डिस्काउंट कोड यूज करना मत भूलना, RN10 फॉर 10% डिस्काउंट। नहीं भूलोगे कैसे, वैसे भूल तो नहीं सकता कोई डिस्काउंट कोड। जूस लेगा? नहीं, अभी नहीं, अब निकाल के रख दो। नहीं, मैं ले लूंगा, मैं ले लूंगा। हाँ ठीक है, इसको चाहिए। हाँ मेरे को चाहिए, जस्ट लेकर। मनीष गन के लिए। व्हाट? मनीष गन के लिए। तेरे जिम का क्या हो रहा है ब्रो?
Bro, so I took trials for 2 days, but अब scene ऐसा हो गया है कि I was gonna join today, but then तूने मेरे को call करके बताया कि तू भी शायद 2-3 weeks के लिए छोड़ रहा है क्योंकि COVID की वजह से. And I spoke to Saket also, and Saket is like, the way COVID Pune में increase हो रहा है, he's speculating that gyms might shut also. Yeah. For a while. Yeah. Oh shit. Because COVID में भी, sorry, Pune में भी COVID बहुत बढ़ रहा है. Because COVID में भी. Yeah, I think even I won't join अभी. Yeah. थोड़ा time के लिए. तो तू यहाँ पे workout कर रहा है, transform में तो सुबह. हाँ, अभी मैं तेरे घर पे तेरे साथ करता हूँ. कल रात को तो मैं भाई मेरे को yesterday साकित का वर्कआउट किया, पूरा रात नींद नहीं आया मेरे को, बॉडी का वाट लग गया. वाट लगी ली वर्कआउट करने को जी. चलो तैयार. अभी नहीं, कल जी. नहीं नहीं, अभी सच मजाक नहीं कर रहा अभी. हाँ तो मैं कल बोल दिया, तुम कल करते फिर. नहीं नहीं, अभी 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 क्यों ना वर्कआउट समय ओपन थोड़ा सा. लिविंग रूम, लिविंग रूम, लिविंग रूम, लिविंग रूम में. या कितना ब्रो, फिर भी एक ही मील खाया ना एट द एंड ऑफ द डे. ब्रेकफास्ट क्या करूं? अच्छा अभी ये सब बाद में बोलेगा तो मैं कैसे बताऊं? ये छाना हुआ है जी. और इसका नहीं रहा छाना, वो पता है आपका नहीं छाना. नहीं नहीं, ये भी छाना हुआ लेता है. मेरा भी सही पता था भाई. मैं पीया, मेरा बहुत पलती पलती लग रहा है. तो गाइस हमारा वर्कआउट हो गया, काफी इंटेंस था. मेरे को हमेशा जब भी मैं होम वर्कआउट करता हूं ना, मेरे को रियलाइज होता है कि अलग-अलग तरीके भी है टू मेक योर वर्कआउट मोर इंटेंस. अभी हम लोग सबवे जाएंगे, उसके बाद व्लॉग खत्म हो जाएगा गाइस. और पता नहीं हम कल मिलेंगे कि नहीं, कभी कल विदा ना कहना. बकबक कर रहा है. हां अभी हम बॉदर ही हो रहा हूं. अभी हम सबवे जाने वाले हैं. अच्छा है? मुझे पता ही नहीं था. नहीं तुझे पता था? नहीं मुझे पता नहीं था. आए हो प्योला भाई बहन, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और हमें अपने फ्रेंड से कॉल आया कि हमारा एक एग्जाम है, तो अभी हमको वो देना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं. तो हमारा टेस्ट तो हो गया और हमको फुल मार्क्स आ गए. नहीं तेरे को दो मार्क कम मिले. फिर जो उसने गलतियां की उससे मैंने सुधारा. मेहनत से, मेहनत से और विदाउट कॉपी किया. इट जस्ट शोस कि वी कैन डू एनीथिंग. या मतलब व्लॉगिंग, यूट्यूब, मजे,
कॉलेज पढ़ाई पढ़ाई हार्डवर्क पैशन डेडिकेशन डिटरमिनेशन सूरज फ्री हो चाय बना दो बना दो हाँ बना दो अपने लिए भी बना दो मेरे लिए भी बना दो राग राफ्टी 4 days into the challenge 26 more to go for those of you who don't know ये अपने चैनल पे एक 30 days 30 vlog चैलेंज कर रहा है which is quite it's not vlogs 30 days 30 videos मतलब कुछ भी अपलोड कर हाँ 30 days 30 videos still bro आसान नहीं है tough है so guys कल रात को हम खाने को गए after the workout लेकिन मैं फिल्म ही नहीं किया क्योंकि खाते टाइम मैं इसको फोन पे एडिटिंग थोड़ा बहुत सिखा रहा था ये यूजुअली प्रीमियर प्रो यूज करता है और उसमें हम इतना खो गए कि मैं भूल ही गया फिल्म करना which is why मैंने आज डायरेक्टली व्लॉग को कंटिन्यू किया बट हम लोग yesterday जब खाने को गए थे we met a really amazing fan yeah we met a really really nice guy called Ganesh shout out to Ganesh ये रही मेरी चाय और ये रहे दो खाली कप्स जो हमें विराग के थंबनेल के लिए चाहिए थे तो मलाई भी अच्छी लगती रहेगी ना या का हेड मलाई ब्रो मलाई तो मैं खा ही नहीं सकता इफ आई एम हैविंग टी एंड थोड़ा भी मलाई आ गया ना मैं फुल टी का वाइब ओनली गो या या And you know like when you keep it outside You keep it on the rim of the glass नहीं जब लंबे समय तक बाहर रख दी तो उसके ऊपर एक छोटा सा ऐसे wrinkly wrinkly मलाई आ जाता है That's also disgusting bro Yeah And then when you sip it it sticks to your lip Yeah And then it's just there forever and then वो डिटेल में बात कर रहे हैं bro मलाई के बारे में तो गाइस इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है होप यू गाइस एंजॉयड अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट तो वो भी कर लो और हम मिलेंगे अगले वीडियो